आपका देखते हैं, ये एमपी का मैप है डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसमें आप देख पा रहे हैं ये एमपी का आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका मैप है। ये पूरा आपके 52 इसमें डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं और इसमें आपका एक एक करके हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी होती है। हम इसको आपका फिर संभाग वाइज भी डिवाइड करेंगे, डिवीजन वाइज भी। अभी इसको जो एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका हम देखते हैं। आपके नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, उधर आपका दतिया, अशोकनगर, गुना, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला। एक मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ ये सिवनी यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में आपका सिवनी नहीं है, यहाँ आपका मंडला है। सिवनी आपका ये दिया हुआ है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये नेक्स्ट आपका मैप होगा उसमें क्लियर मिल जाएगा, इसमें आई मिस्टेक आपका सिवनी लेके आइए, मंडला है। बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जो 52। लास्ट आपका जो बना है वो आपका निवाड़ी है, ये टीकमगढ़ से अलग करके इसको बनाए गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसकी एमपी की जो बाउंड्री है, जब छत्तीसगढ़ था तब आपके 7 स्टेट से बाउंड्री इसकी टच करती थी, बट आज यानी कि एमपी की जो बाउंड्री है वो 5 स्टेट को टच करती है। इनमें सबसे ज्यादा आपकी यूपी को टच करती है, उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज्यादा बाउंड्री है, उसके बाद आपकी राजस्थान की है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है और सबसे कम आपकी गुजरात की है। गुजरात की बाउंड्री एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, एक झाबुआ और एक आपके अलीराजपुर। अब इसमें बाउंड्री वाइज हम और चीजें भी देख लें, वो आगे आपको लेंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम इसमें एक जनरल पूरा आपका फिजिकल इंट्रोडक्शन भी इसका बता देते हैं। ये देखिए आपका एमपी का नॉर्थ से लेकर के साउथ की जो इसकी मैक्सिमम लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। यानी कि आपके मुरैना के ये पॉइंट चंबल नदी से है, वहां से लेकर के और आपके एमपी का साउथ में बुरहानपुर में, यानी कि ये नॉर्थ से लेकर के साउथ का जो मैक्सिमम लेंथ बनती है वो 605 किलोमीटर है। इसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट आपका सिंगरौली से लेकर के और आपके अलीराजपुर तक, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, वो आपकी 870 किलोमीटर है। ये आपका यानी कि मैक्सिमम एक्सपेंशन है आपका एमपी का नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। एमपी का जो टोटल एरिया है वो आपका 3,08,252 किलोमीटर, 3,08,252। और ये इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 9.38% यानी कि एमपी कवर करता है। अब हम देखते हैं यूपी की सीमा को टच करने वाले एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो आप देखें यहाँ पर। यहाँ से आपका मुरैना का थोड़ा सा पार्ट है जो आपका, मैं एग्जैक्ट पॉइंट भी आपको बता दूं, ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट के पोरसा तहसील का जो एरिया है वो आगरा के पिनहाट से यानी कि टच करने वाला वो है एरिया। तो ये आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा टच करता है यूपी को। भिंड का काफी बड़ा एरिया है जो यूपी को टच करता है और आपका ये दतिया का काफी बड़ा यानी कि बाउंड्री है, पूरी यानी टच करती है आपकी। और शिवपुरी ये आपका ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी को भी टच कर रहा है और राजस्थान को भी टच कर रहा है। अभी कोई पूछ रहा था ना कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो दो स्टेट को टच करते हैं, तो ये आपका शिवपुरी इधर आपका यूपी को टच कर रहा है और इधर आपका राजस्थान को टच करता है शिवपुरी, है ना। तो ये आपका इधर ये बाउंड्री देख पा रहे हैं, ये यूपी की टच कर रहा है, इधर ये आपकी राजस्थान की टच कर रहा है शिवपुरी। इसके बाद अशोकनगर ये आपका टच करता है यूपी का, इधर आपका सागर, फिर आपका ये छतरपुर और ये निमाड़ी और टीकमगढ़, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग हो गए हैं दोनों की ही बाउंड्री आपकी टच करती है। इसके बाद आपका पन्ना, सतना, रीवा और आपका सीधी, सिंगरौली, ये दोनों ही आपका यानी कि यूपी को टच करते हैं। तो ये आपके टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री आपको यूपी से टच करवाती है। मुझे लगता है कि अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपका राजस्थान को टच करने वाले हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आपका मुरैना, मुरैना की काफी बाउंड्री है जो आपका उसको टच करती है राजस्थान को। तो मुरैना भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी दो राज्यों को सीमा टच करती है, एक आपका राजस्थान और दूसरा आपका यूपी। इसके बाद आपका श्योपुर, इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो आपकी राजस्थान को टच करती है। फिर आपका शिवपुरी, तो शिवपुरी भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैं बता चुका हूँ, यूपी और राजस्थान को टच करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो यूपी और आपके राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, तो वो दो जिले हैं आपके मुरैना और आपका शिवपुरी। इसके बाद आपके राजस्थान की सीमा को टच करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका गुना है, और फिर आपका राजगढ़, ये गुना, राजगढ़, आगर मालवा जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है आपका शाजापुर से अलग होकर के, और ये आपका नीमच और ये मंदसौर और आपका रतलाम, ये आपके सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी टच करती है सीमा। और इसके बाद आपका महाराष्ट्र को टच करने वाले जो जिले हैं वो साउथ के हैं सारे। हाँ, एक आपका राजस्थान का ये भी है झाबुआ, ओके। इसके बाद आपका महाराष्ट्र को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपका बड़वानी और ये अलीराजपुर और आपका खरगोन, ये बुरहानपुर और बैतूल और ये आपका छिंदवाड़ा, सिवनी और आपका बालाघाट। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी जो सीमा है आपकी ये महाराष्ट्र को टच करती है। इसके बाद आपके वो डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ को इनकी सीमा टच करती है, तो वो आपका यहाँ से देखें सीधी और आपका ये शहडोल और अनूपपुर, ये आपका डिंडोरी, मंडला और आपका बालाघाट। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बाउंड्री आपका छत्तीसगढ़ को टच करती है। अब आपका गुजरात, तो गुजरात में ये आपके झाबुआ और अलीराजपुर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपके गुजरात को टच करते हैं। अब इसमें आप देखें कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा आपकी दो राज्यों को टच कर रही है। एक तो आपका अलीराजपुर है, अलीराजपुर ये आपका जो टच करता है इधर गुजरात को भी टच कर रहा है और आपको महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है। इसके बाद आपका झाबुआ है, तो झाबुआ आपका गुजरात और राजस्थान को टच कर रहा है। तो ये दो जिले हो गए जो यानी कि आपके दो दो स्टेट को टच कर रहा है। इधर मैं आपको बता ही चुका हूँ शिवपुरी और आपका मुरैना, है ना। इसके बाद आपको देखें ये बालाघाट, बालाघाट के जो है ये छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र इन दोनों को टच करने वाला ये बालाघाट है, ठीक है। इसके बाद आपका ये सीधी और ये आपका सिंगरौली, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है आपके ये आपका यानी कि यूपी और आपका छत्तीसगढ़ को टच करता है। ये आपके सारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो दो स्टेट को टच कर रहे हैं। इसके बाद अब आगे और देखते हैं, ये आपका वो जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आपका देखिए ये एमपी की जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जो पोजीशन है, वही किसी भी स्थान की हमें जो पोजीशन है वो इसी से पता चलती है, अक्षांश रेखाओं से और देशांतर रेखाओं से। तो आपका जो अक्षांश रेखा है जो आप समझ सकते हैं, जानते हैं कि ग्लोब पर आपके वर्ल्ड के ग्लोब पर है, वो ईस्ट टू वेस्ट खींची गई है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपका नॉर्थ टू ईस्ट, ये आपका अर्थ है। अब इस पर आपका ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो रहते हैं ये आपका देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये आपके यानी कि ग्लोब पर खींची गई है। ये आपका लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं, और ये आपकी देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड हैं। तो ये आपकी, इनका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस होता है वो यही है कि किसी भी प्लेस का एक्चुअल यानी कि पोजीशन बताना। तो ये आपका लैटिट्यूड जो है टोटल है आपकी 90 नॉर्थ आपका यानी कि हेमिस्फीयर में और उत्तरी गोलार्ध में, और 90 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है, और 0 ये आपका जो बीच की लाइन है ये 0 लाइन है, ये इक्वेटर बोली जाती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है ना। तो इनको यानी कि काउंट करते हुए आपका यानी कि इसमें बताया जा रहा है। और एक जो डिग्री होता है, 1 डिग्री में आपके 60 मिनट, उसका यानी कि एक डिविजनल यूनिट होती है वो है आपका, और इसमें आपका ये लॉन्गिट्यूड जो है इसमें ये 0 लाइन है जिसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच इन टाइम, और इसके आपके पूर्व में आपके इसको टोटल यानी कि 360 है, इसमें 0 ये है और 180 आपके पूर्व में है और 180 आपका पश्चिम में, वेस्ट में है। तो ये इस तरह से पूरा डिवीजन है। अब आपको हम एमपी के रेफरेंस में बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एमपी में टोटल जो आपका जो बाउंड्री है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर ये टच करते हुए आपको यहाँ से नीचे से आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि जो अक्षांश रेखा है हमारा जो इंडिया की स्थिति देखें तो वो यानी कि आपका भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जा रही है। तो हमारा एमपी जो है सर्दर्न जो प्लेस है वो आपका 21 डिग्री 6 मिनट का है। कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट का है। ये आपका बुरहानपुर से लेकर के और आपका मुरैना का जो चंबल का जो पॉइंट है वो यानी कि इस पर आता है। इसके बाद आपका हम बात करते हैं, ये नॉर्थ से आपका यानी कि साउथ का हो गया। अब ईस्ट टू वेस्ट है ना, तो आपका वेस्ट में आपका यानी कि पश्चिम में 74 डिग्री और ये आपका 59 मिनट है, और ये 82 डिग्री 48 मिनट है, और ये आपका मध्य प्रदेश के पूर्व से जो पश्चिम का बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो आपको मालूम है कि देशांतर रेखाओं से हमारा टाइम भी डिसाइड होता है। तो इनका यदि हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ आपको मालूम है कि एक जो डिग्री है उस पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो ये आपका यहाँ से और इस वाले पॉइंट का जो डिफरेंस है दोनों का, ये दोनों का यदि हम टाइम का यानी कि डिफरेंस निकालेंगे तो 34 मिनट का लगभग आता है। तो ये हमारा एमपी का जो टाइम डिस्टेंस है वो है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे हम और देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मालूम है कि ये जो अर्थ का डिवीजन किया गया है लैटिट्यूड लाइन पर। इसमें दो लैटिट्यूड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका कर्क रेखा जो आपके उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरी आपकी मकर रेखा जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपका जो इंडिया की पोजीशन यदि हम बात करें तो वो आपके इस तरीके से है। यदि हम वर्ल्ड लेवल पर इसको इंडिया को देखें थोड़ा सा, ये चार कॉलम बन गए आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इंडिया की पोजीशन है वो इसमें है आपका, यानी कि नॉर्थ और आपका ईस्ट, ये वाला जो कॉलम है नॉर्थ ईस्ट वाला, इसमें जाकर के इंडिया का यानी कि पोजीशन है ये वाली, यदि हम उसको वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं। अब ये आपकी कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, और इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है और एमपी के भी बीचों बीच से गुजरती है। और ये आपकी जो लाइन है एमपी के टोटल 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे यानी कि निकलती है। ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो है इस तरीके से। आपका यहाँ से स्टार्ट करें हम देखें, ये आपका हम वेस्ट से स्टार्ट करेंगे और ईस्ट की तरफ जाएंगे। इसमें आपका रतलाम, रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद आपका शाजापुर, शाजापुर के बाद आपका राजगढ़, उसके बाद आपका ये सीहोर, भोपाल और आपका रायसेन, रायसेन विदिशा और सागर, दमोह और आपका ये कटनी, कटनी के बाद आपका जबलपुर और उमरिया और ये आपका शहडोल, अनूपपुर। ये इस तरीके से लाइन खींचती है आपकी, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट से निकली पास करती हुई जाती है। तो ये 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो यानी कि कर्क रेखा के नजदीक हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी लॉन्गिट्यूड यानी कि आपकी देशांतर रेखा है, ये आपकी 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, एग्जैक्ट पॉइंट जो इसका वहां पर कवर करता है इलाहाबाद के पास यानी कि प्रयागराज के पास में नैनी। और ये लाइन आपके एमपी से जब गुजरती है तो एमपी से ये आपका सिंगरौली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ही सिर्फ इसमें ये गुजरती है। एमपी का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, जहां से ये आपका सिंगरौली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपके ये लाइन पास होती है, जो इंडिया का आपका स्टैंडर्ड टाइम है यानी कि मानक समय है वो यानी कि 82.5 डिग्री का जो देशांतर है वहां से ये पास होती है। ओके, नेक्स्ट तो हम देखते हैं फैक्ट। हाँ, ये मध्यप्रदेश गान है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश। ये हमारे महेश श्रीवास्तव जी एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसको लिखा था। बहुत सारे लोगों से यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने प्रतियां मंगाई थी, तो इनमें से सबसे अच्छा इन्हीं का आया था, इसी को यानी कि अडॉप्ट किया गया है। अब एमपी का हम पॉपुलेशन देखें तो कुछ फैक्ट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये 7,26,26,809 ये यानी कि हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब यानी कि अगले वर्ष ये बदल जाएंगे 2021 में, लेकिन ये उस समय का पॉपुलेशन है। और जो सेक्स रेशियो है हमारे एमपी का वो 931 है ये। और हमारी जो लिटरेसी है वो 69.32% है, 69.32% है। और ये एमपी को कई निक नेमों से भी जाना जाता है, जैसे आपका नदियों का मायका। नदियों का मायका एमपी को इसलिए कहते हैं कि एमपी की बहुत सारी नदियां हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका देश के बीचों बीच स्थित है, तो नदियां अपना रास्ता बनाते हुए अदर इन ये स्टेट में जाती हैं, तो यही माना जाता है कि एमपी की नदी है और दूसरे स्टेट में जा रही है और दूसरी नदियों में मिलेगी या समुद्र में मिलेगी, तो एक तरह से विदा होकर के जा रही है, इसलिए ये नदियों का मायका कहा जाता है। इसके बाद आपका सोया प्रदेश, ये सोया स्टेट इसलिए नहीं कहा जाता है कि एमपी के लोग सोते रहते हो, है ना, कुछ हो सकते हैं कि सोते रहते हो, लेकिन ये इसकी वजह से नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है कि एमपी में सोयाबीन का प्रोडक्शन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको सोया स्टेट का भी टाइटल दिया गया है। और आपका हृदय प्रदेश तो कहा ही जाता है क्योंकि ये हमारे देश के बीचों बीच स्थित है और काफी इम्पोर्टेंट भी है, अदर यानी कि चीजें सर्कुलेट यहाँ से होती हैं, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश कहा गया है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि मिनी इंडिया भी कहा जाता है इसको, लघु भारत। उसका रीजन ये है कि एमपी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो आपके बहुत सारे स्टेट को टच करती हैं, तो यहाँ पर आपके इंडिया की अलग अलग यानी कि स्टेट का जो कल्चर है वो यहाँ मिक्सअप हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि छोटा भारत हो जाता है कि सारे अदर स्टेट की भी कल्चर यहाँ मिली हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर आप विविधता देख सकते हैं, इसी वजह से इसको लघु भारत कह दिया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका जो है आपकी राजभाषा वो यहाँ की हिंदी है। और भी फैक्ट हम देखते हैं एमपी के बारे में, यानी कि संभाग आपके डिवीजन टोटल यहाँ पर आपके 10 है, और ये डिस्ट्रिक्ट आपके 52 हो गए हैं अभी तक। और अभी कमलनाथ सरकार ने 3 और डिक्लेयर किए थे, बट उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी मान्य नहीं हो पाए थे। तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट आगे हम आपको बताएंगे कौन सा था जिनको उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। हाँ, आपका विकास खंड यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो ब्लॉक्स हैं वो विकास खंड आपके 313 हैं। और आपका आदिवासी विकास खंड यानी कि एमपी में आपकी ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और इसीलिए आपके 313 जो ब्लॉक्स हैं आपके उनमें से 89 ट्राइब ब्लॉक्स हैं। इसके बाद आपका नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये आपके 18 है, और नगर पालिकाएं 98, और ग्राम पंचायत आपकी 23,043 है। और जनपद पंचायत मतलब जितने ब्लॉक होते हैं उतने ही आपकी जनपद पंचायत होंगी, क्योंकि आपका जो जनपद पंचायत का गठन होता है वो ब्लॉक लेवल पर होता है। जिला पंचायत आपकी 52 है, मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने आपके जिला पंचायत हो जाएंगी, तो ये आपके 52 है। अब इसमें आपका जो लोकसभा की सीटें हैं एमपी में टोटल 29 हैं, और इसमें से आपकी आपको मालूम है कि लोकसभा की सीटों में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन रहता है, तो एमपी की टोटल 29 सीट्स में से आपके एससी के लिए और एसटी के लिए यहाँ सीटें रिजर्व की गई हैं। तो एससी के लिए आपकी 4 सीट्स हैं 29 में से, और एसटी के लिए आपकी 6 सीट्स हैं, यानी कि टोटल आपके 29 में से 10 सीट्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी में रखी गई हैं। और इसमें आपका विधानसभा, आपको मालूम है कि विधानसभा में टोटल 230 सीट्स हैं, और इसमें एक आपका एंग्लो इंडियन मेंबर होता है जिसको आपका गवर्नर अपॉइंट करता है। तो ये आपके 230 के लिए इलेक्शन होता है, 230 सीट्स के जो इलेक्शन होता है इसमें से आपकी एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। क्योंकि एमपी में जो एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब्स की यानी कि आदिवासी लोगों की, अनुसूचित जनजाति की, तो इसीलिए यहाँ पर सीटें भी उनको ज़्यादा रिजर्व की गई हैं। वो 230 में से आपकी 48 सीट्स आपका एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं, और इसी आपके 230 सीट्स में से आपकी 35 सीट्स हैं वो आपके एससी के लिए रिजर्व की गई हैं। तो ये टोटल आपका यानी कि एससी और एसटी का रिजर्वेशन आपका 230 सीट्स में किया गया है। और राज्यसभा की एमपी में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद जो यानी कि सीटें बची हैं वो 11 हैं। छत्तीसगढ़ उससे पहले यहाँ पर 19 सीट्स थी और अब इनकी अलग होने के बाद आपका 11 सीट्स बची हैं राज्यसभा के लिए। और यहाँ पर राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ना एससी के लिए ना एसटी के लिए। और अभी राज्यसभा के इलेक्शन एमपी में हो रहे थे, लेकिन ये लॉकडाउन अभी हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं हो पाया। और इसी राज्यसभा की सीट को लेकर के कुछ ऐसा घटनाक्रम भी हुआ है ना, जिससे बहुत बड़ा राजनीति में परिवर्तन भी आ गया एमपी में। अब देखते हैं हम ये डिस्ट्रिक्ट और आपका संभाग। 52 टोटल जिले हैं, ये आप पूरे मैप में देख पा रहे हैं, बिखरे हुए हैं। और आपके संभाग 10 हैं टोटल। ये इस संभाग की हम स्टडी अब आपको यहाँ बताएंगे। ये आपके डिवीजन वाइज पूरा यानी कि है, इसमें हम आपको डिटेल में भी और बताएंगे पूरा। ये देखिए आपका ये एमपी में 2 ऐसे संभाग हैं जो मध्य प्रदेश की नदियों के नाम पर हैं। आपका एक चंबल संभाग, जो चंबल नदी जहाँ से निकलती है और काफी डोमिनेंट एरिया है चंबल का, उसको चंबल एरिया के नाम से ही जाना जाता है आपका, जिसमें भिंड, मुरैना और शिवपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपके चंबल संभाग में आते हैं। और ये दूसरा आपका ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है जो नदी के नाम पर है वो नर्मदापुरम है। वो आपके नर्मदा नदी जहाँ बहती है, जिस एरिया में डोमिनेंट है, तो उसको यानी नर्मदापुरम के नाम से जाना था। इसके बाद आपका चंबल संभाग से ही लगा हुआ है आपका ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में ये आपके डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके ग्वालियर संभाग में आते हैं। ये आपका ग्वालियर चंबल संभाग अभी राजनीतिक तौर पर काफी यानी कि चर्चित है, क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्शन होना है ना, कि विधानसभा के 16 सीटों के लिए आपके इसी क्षेत्र में होंगे। 22 में से ग्वालियर चंबल संभाग की टोटल 16 सीटों पर होंगे। ये बहुत राजनीतिक तौर पर काफी चर्चित रहेगा अभी। इसके बाद आपका भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में आपका विदिशा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन और सीहोर, ये आपके भोपाल संभाग के डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें टोटल आपके 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं भोपाल संभाग में। इसके बाद आपका सागर संभाग। सागर संभाग में आपका पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, ये आपके पहले इसमें 5 जिले आते थे, लेकिन अब 6 जिले हो गए हैं सागर डिवीजन में, क्योंकि इसमें एक आपका टीकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना है। ये पूरा हम आपको डिटेल बताएंगे, सारे जिले कब बने क्या, अभी हम सिर्फ संभाग वाइज इनका देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग ये आप देख पा रहे हैं, ये है, ये आपका इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर और देवास, ये आपके उज्जैन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें आपके आगर मालवा ये शाजापुर से अलग होकर के बना है, तो ये इसमें टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उज्जैन डिवीजन में। इसके बाद आपका इंदौर डिवीजन, इसमें आपके सबसे ज्यादा जिले हैं और इसी के बराबर लगभग उज्जैन जबलपुर संभाग में है। तो इंदौर संभाग ये आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण आपका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये इंदौर संभाग की स्थिति है। इसमें आपका इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये आपके इसमें टोटल 8 जिले आते हैं इस इंदौर संभाग में। इंदौर संभाग के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये आपका डिवीजन वाइज यदि पॉपुलेशन पूछी जाए तो इंदौर यानी कि डिवीजन में सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन है। और इस इंदौर ये जो डिवीजन है इसमें एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो आपका धार है, और पॉपुलेशन यदि वाइज हम की बात करें तो इंदौर है ना, कि यहाँ काफी डेंसिटी जाता है। इसके बाद आपका देखते हैं रीवा संभाग। रीवा संभाग में आपके टोटल 4 जिले हैं, इसमें सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, ये टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आपके यानी कि रीवा डिवीजन में आता है। इसके बाद शहडोल, शहडोल में आपका शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये पहले जो डिस्ट्रिक्ट थे ना शहडोल संभाग में ही जो दिखाए जा रहे हैं, ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से ही अलग हुए हैं। पहले उमरिया भी इसी से अलग हुआ है, बाद में अनूपपुर भी इसी से अलग हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट है उसी का आपका इनके विस्तार होकर के ये आपका शहडोल संभाग बन गया, यानी कि 3 जिले इसमें आते हैं। इसके बाद आपका जबलपुर संभाग, ये जबलपुर संभाग आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में ये स्थित है, और इसमें आपका 8 जिले आते हैं, यानी कि एक तो आपका इंदौर डिवीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, दूसरा आपका जबलपुर डिवीजन में भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आपका सबसे ऊपर देख पा रहे हैं कटनी है, उसके बाद आपका जबलपुर, नरसिंहपुर, और ये आपका नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी है ना, ये सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके जबलपुर डिवीजन में आते हैं। और जबलपुर संभाग जो है एरिया वाइज आपका एमपी का सबसे बड़ा यानी कि संभाग है, और इसी संभाग में आपका ये छिंदवाड़ा जो है ये एमपी का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, यानी कि इसी जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो एमपी का सबसे बड़ा यानी कि एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपका नर्मदापुरम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एमपी के 2 आपके संभाग ऐसे हैं जो नदियों के नाम पर, एक तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो आपके यहाँ पर नॉर्थ में है ये चंबल संभाग, चंबल नदी के नाम पर, और आपके साउथ में आपके एमपी के ये आपके नर्मदापुरम है। इस नर्मदापुरम में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये आपके इस नर्मदापुरम संभाग में आता है। ये नर्मदापुरम संभाग का जो गठन है वो जब हुआ था तो उसमें एक नया जिला जोड़ दिया गया था बैतूल, एक्चुअल में होशंगाबाद संभाग था जिसमें हरदा और होशंगाबाद ये 2 डिस्ट्रिक्ट ही आते थे, लेकिन बाद में आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट से अलग करके, सॉरी भोपाल डिवीजन से अलग करके बैतूल को इस नर्मदापुरम में ऐड कर दिया गया। तो आज यानी कि नर्मदापुरम में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल ये 3 आपके इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए अब हम आपका देखते हैं कि जो नए संभाग हैं वो कब कब बने हैं। तो ये डिंडोरी को यानी कि आपका जबलपुर संभाग में ऐड कर दिया गया है, और अगस्त 2008 में होशंगाबाद जो संभाग है इसका नाम बदल करके आपका क्या कर दिया गया है, ये आपका इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। और इसमें आपका बैतूल जिले को इसी संभाग में शामिल किया गया है नर्मदापुरम में। तो ये आपके 3 इसमें जिले हो गए हैं। शहडोल संभाग ये सबसे लास्ट में बना है, सॉरी ये आपका दोनों ही आपका नर्मदापुरम और शहडोल ये 2008 में बने हैं। बस उसमें ये हुआ था कि होशंगाबाद जो संभाग था उसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया था, और इसमें एक नया डिस्ट्रिक्ट भी ऐड कर दिया, लेकिन एक नया बिल्कुल संभाग जो बना है वो 2008 में ये शहडोल बना था, ये बिल्कुल नया ही बना था। और ये शहडोल जो संभाग है ये आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है, इसमें भी आपके तीन जिले आते हैं। ऐसे एमपी के 4 संभाग हैं जिनमें 3-3 जिले आते हैं, एक आपका दोनों नदियों के नाम पर यानी कि चंबल और नर्मदापुरम, इनमें 3-3 जिले आते हैं। उसके बाद आपका एक शहडोल है जिसमें 3 ये ले आते हैं। और सबसे ज्यादा संभाग वाले जिले हैं वो आपके दो हैं, बराबर हैंड में 8-8 है, तो वो आपका जबलपुर और इंदौर। अब ये एमपी का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिवीजन और आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे लार्जेस्ट आपका डिवीजन जो है वो आपका पॉपुलेशन वाइज यदि हम बात करें तो वो आपका एमपी का इंदौर है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंदौर डिवीजन में, जो मैं उसमें अभी आपको बता चुका हूँ, अभी फिर मैंने एक बार आपको बताया। इसके बाद आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन पॉपुलेशन वाइज ये आपका शहडोल है, और ये आपका लार्जेस्ट डिवीजन एरिया वाइज यदि हम बात करें तो वो आपका जबलपुर है, और स्मॉलेस्ट डिवीजन एरिया वाइज वो आपका शहडोल है। तो ये आपका चाहे एरिया वाइज हो चाहे आपका पॉपुलेशन वाइज हो, स्मॉलेस्ट डिवीजन आपका शहडोल है, दोनों ही कंडीशन में आपका शहडोल आंसर होगा, ठीक है। और पॉपुलेशन और आपका एरिया वाइज ये आपके अलग अलग हैं। इंदौर ये आपका पॉपुलेशन वाइज बड़ा है और जबलपुर आपका एरिया वाइज बड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, पॉपुलेशन वाइज यानी कि आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका इंदौर है। इंदौर आपका यानी कि डिस्ट्रिक्ट भी सबसे बड़ा है और आपका डिवीजन भी सबसे बड़ा है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो पॉपुलेशन वाइज है वो निवाड़ी हो गया है। ये पहले आपका आगर मालवा था, इसके बनने से पहले, अब जब ये 2018 में बन गया है नया डिस्ट्रिक्ट, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा आपका निवाड़ी हो गया है, और ये सबसे बड़ा आपका जिला है एरिया वाइज वो आपका छिंदवाड़ा है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट वो जो नया बना है वो आपका निवाड़ी ही है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एरिया वाइज दतिया सबसे छोटा अब नहीं रहा, नहीं अभी तक तो एरिया वाइज सबसे छोटा दतिया ही था, अब दतिया से भी छोटा आपका यानी कि एमपी में डिस्ट्रिक्ट जो बन गया है वो यानी कि आपका निवाड़ी। यानी कि 1956 से लेकर के 1956 से लेकर के और 2017 तक दतिया ही एमपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था एरिया वाइज, लेकिन अब उससे भी छोटा आपका निवाड़ी हो गया है। तो ये टोटल आपके 52 डिस्ट्रिक्ट के सबसे छोटे और सबसे बड़े आपके जिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखेंगे जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसमें आपका एमपी का ये नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मुरैना है, और इसमें भी मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताया ना कि जो आपका राजस्थान की सीमा से लगने वाला जो चंबल नदी है वहां पर यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट आपका पॉइंट है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में एमपी का, ठीक है। इसके बाद आपका लोएस्ट पॉपुलेशन वाइज और लोएस्ट एरिया वाइज जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका ये निवाड़ी है, ये एमपी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा जो है वो आपका भोपाल का है, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसके बाद आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन ये आपकी इंदौर की है डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो, और आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है अलीराजपुर है, ये आपका गुजरात से टच करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपका ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग में स्थित सबसे दक्षिण में स्थित जो जिला है वो आपका बुरहानपुर है, ये आपका महाराष्ट्र से इसकी जो बाउंड्री टच करती है। इसके बाद आपका सेंट्रल मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वो आपका रायसेन है। यानी कि आपका एमपी का चाहे आप नॉर्थ टू साउथ देखें, नॉर्थ से साउथ से या ईस्ट से वेस्ट से, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि रायसेन हो जाता है। और इसके बाद आपका हाईएस्ट एरिया वाइज जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा का सबसे ज्यादा एरिया है। इसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये बालाघाट का यानी कि एमपी में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। और इसके जस्ट अपोजिट आपका लोएस्ट सेक्स रेशियो वो आपका भिंड में है। और एक यहाँ बड़ा कंट्राडिक्टरी है बात देखा जाए तो, बालाघाट आपका ट्राइब एरिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सेक्स रेशियो काफी अच्छा है। बस पढ़ा लिखा माना जाता है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति सब हो गया है ना, तो इस वजह से वहां पर लोग समझदार हो जाते हैं, सोशल चीजों को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भिंड यदि देखा जाए तो लिटरेसी में आपका एमपी में काफी अच्छी है, वहां पर 5th नंबर पर आता है, लेकिन उसके बाद भी सबसे कम सेक्स रेशियो है। और ये पूरा एरिया ही ऐसा है, न केवल भिंड, भिंड के बाद मुरैना, उसके बाद आपका ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये ग्वालियर चंबल संभाग का एरिया है ना, आपका सेक्स रेशियो में एमपी में सबसे नीचे है। तो ये आपका सबसे दुर्भाग्य की बात है इस एरिया की। इसके बाद आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपकी डिंडोरी की है। ये डिंडोरी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और आपका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका पूर्वी भाग में स्थित, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व में भाग में स्थित जो जिला है वो आपका सिंगरौली है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। चलिए, नेक्स्ट कुछ फैक्ट है वो आप देखते हैं। मध्य प्रदेश का आपका जो स्टेट स्पोर्ट है, जो राजकीय खेल है, वो मलखम्ब है। ये 2013 में 9 अप्रैल को अनाउंस किया गया था, राजकीय खेल को मलखम्ब को बनाया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस मलखम्ब खेल को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड भी स्टार्ट किया गया है। ये आपका है प्रभास जोशी अवार्ड, ये इसी खेल को देने के लिए स्टार्ट किया गया। हालांकि प्रभाष जोशी पत्रकारिता से संबंधित थे। राजकीय नृत्य, ये आप देख पा रहे हैं, ये राई आपका डांस है। बेसिकली ये वैसे देखा जाए बुंदेलखंड एरिया में होता है ना, राई बधाई, ये बुंदेलखंड एरिया में काफी डांस हैं, तो इनमें से राई जो है ये बुंदेलखंड एरिया का है। ये इसमें ज़्यादातर जो बेड़नी होती है वो डांस करती है, और ढोलक की थाप पर यानी कि डांस होता है। ये हम देख पा रहे हैं, ये इसमें दिखाया गया है। इसके बाद आपका राजकीय लोक नाट्य, ये माच है। माच आपका ज़्यादातर मालवा एरिया में होता है ना। ये आप देख रहे हैं कि थिएटर टाइप से ही है, मतलब माच आपका लोकल थिएटर है, फोक थिएटर। ये आपका एमपी में ज्यादातर इस पॉपुलर हैं, इसीलिए इनको राजकीय नृत्य और राजकीय लोकनाट्य का इनका दर्जा दे दिया गया। अब आपका देखते हैं राजकीय पशु, ये बारहसिंगा है ना। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, राजकीय पशु बारहसिंगा। और यहाँ पर आपका ये राजकीय पक्षी है दूधराज। ये राजकीय पक्षी जो दूधराज है, इसको शाह बुलबुल भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और ये इसका जो साइंटिफिक नेम है, आपका स्टेट बर्ड जो है वो है टर्प सिफोनी पैराडाइज, यानी कि इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये आपका एमपी में है। इसके बाद आपका राजकीय मछली, स्टेट फिश जो है महाशीर, टॉड और फिश, महाशीर जो है। और इसका ये पिक्चर देख पा रहे हैं। ये आपका सारी जो चीजें हैं 1 नवंबर आपका 1981 में ये अडॉप्ट की गई हैं एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपका महाशीर बाद में बना। ये दोनों चीजें आपका राजकीय पक्षी, हाँ राजकीय पक्षी, और आपका राजकीय पशु हैं, ये दोनों आपका 1981 में है। राजकीय वृक्ष ये आपका बरगद है और ये भी आपका फर्स्ट नंबर 1981 को अडॉप्ट किया गया था। इसको यानी कि आपका जो बॉटनिकल नेम है फिकस बैंगलेंसिस, ये आपका इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आपका राजकीय फसल ये सोयाबीन है ना, और स्टेट फ्रूट यानी कि आपका राजकीय फल जो है मैंगो है। इसका मैंगो का आपका साइंटिफिक नेम रहता है मैंगीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम आपका मैग्नीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद आपका स्टेट फ्लावर वाइट लिली है। ये इस वाइट लिली का आपका साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम है आपका लिलियम कैंडीडम, लिलियम कैंडीडम, ये आपका इसके साइंटिफिक नेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपके स्टेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं इनको एडॉप्ट किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट राजकीय प्रतीक ये आपका स्टेट संबल जो है ये आपका सांची का स्तूप है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जहाँ भी स्टेट संबल दिखाना होता है तो वो आपका राजकीय प्रतीक आपका सांची का स्तूप है। और राजकीय चिन्ह स्टेट आपका एम्ब्लेम जो है वो आप ये देख पा रहे हैं इस टाइप से ये बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश का आपका राजकीय चिन्ह है, जिसमें आपका सारनाथ का जो स्तंभ की जो है ना भारत सरकार का भी है, वो इंडिया का भी गवर्नमेंट का है, लेकिन इसमें यानी कि हमने एमपी शासन सतमे जयते ये सारी चीज़ें इसमें लिख करके पूरा तैयार किया है। इसमें 24 यानी कि ये तिलियाँ हैं, है ना। और ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन एमपी का हुआ। अब हम एमपी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये देखें आपको 1947 से पहले आपका पार्टीशन से पहले यदि हम बात करें तो एमपी भी इसी इंडिया में है। तो इंडिया का हम वो पार्ट दिखा रहे हैं जो यानी कि 1947 से पहले का था। इसमें दो कलर आप देख पा रहे हैं, एक आपका ये पिंक कलर है, ये वो यानी कि है जहां पर यानी कि आपकी रियासतें हैं, और आपका येलो कलर है वो ब्रिटिश इंडिया का है, यानी कि जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट यानी कि अपने उसमें शासन करती है। यहाँ पर स्टेट के साथ में मिलकर के यानी कि आपका जो रियासतें हैं उनके साथ में मिलकर के शासन कर रही है। तो ये येलो कलर आपका टोटल डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया है, और ये आपका वो इंडिया है जहां पर यानी कि रियासतों के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही है। तो ये दो तरह के स्टेट थे यानी कि 1947 में आज़ादी से पहले, लेकिन बाद में ये आपका भारत सरकार हो गई पूरी। अब उसमें किस तरह से स्टेट बने क्या बना वो हम आपको आगे बता रहे हैं। ये 1947 से लेकर के और 1956 तक इंडिया में आपके, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आज़ादी के बाद में हमारे देश में चार यानी कि कैटेगरी के स्टेट बने थे। इसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, ये इस तरीके से आपका कैटेगरी वाइज यानी कि डिवीजन किया गया था 1947 में। टोटल आपके 29 स्टेट्स थे उस समय। आपके जब 1947 में स्टेट बनाए गए थे तो 29 थे। इसमें आपका डी पार्ट का स्टेट सिर्फ एक ही था, वो आपका था अंडमान निकोबार। डी में सिर्फ एक था, और ये यहाँ पर आपका इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया जाता था, और ये आपका इसलिए था क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी। अब ए पार्ट में हम देखें, ए पार्ट में आपका जितना भी आपका जो ब्रिटिश आपका जो प्रोविजंस थे वो सारे इसमें शामिल किए गए थे, यानी कि आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो प्रांत थे वो सारे ए स्टेट के बना दिए गए थे। यहाँ पर एक आपका इलेक्टेड गवर्नर होता था और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर होता था, इसी स्टेट जो लेजिस्लेचर होती थी उससे एक चीफ मिनिस्टर बनाया जाता था। ये आपके इस टाइप से 9 टोटल स्टेट्स थे। इन 9 स्टेट्स में से आपका एक मध्य प्रदेश भी था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा 9 स्टेट में आपका असम, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब का पाकिस्तान में है, और मद्रास, उड़ीसा और आपका उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये सारे आपके 9 जो स्टेट्स थे वो ए पार्ट के थे। तो वो सीधे सीधे यानी कि आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्टेट थे वो यानी कि आपका ए पार्ट में थे। इसके बाद बी पार्ट, बी पार्ट में आपके वो रियासतें थीं या आपके जो ग्रुप थे उनको मिलाकर के बनाया गया था। यहाँ पर आपका जो इसका हेड होता था वो आपका राज प्रमुख होता था, यानी कि वो किसी भी रियासत का जो प्रमुख होता था, इनमें जो सबसे बड़ी रियासत होती थी उसका यानी कि राज प्रमुख जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पर होता था। ये भी आपके टोटल 9 स्टेट्स थे, जिसमें आज के जो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 2 यानी कि आपके पार्ट थे जो 1947 में बनाए गए थे। तो वो आपका एक मध्य भारत और दूसरा आपका विंध्य प्रदेश, ये आपके दोनों 9 स्टेट में बी पार्ट के थे। ये मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स आपको एमपी की मिलेंगी जिसमें विंध्य प्रदेश को सी स्टेट बताते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक यानी कि बुक का सोर्स बता रहा हूँ, जो लक्ष्मीकांत यानी कि आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए बुक आती है, सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उसमें भी दिया है। और भी आप जगह पर देखेंगे आपको ऑथेंटिक जो जानकारी मिलेगी वो विंध्य प्रदेश बी स्टेट का ही है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 1947 में बी पार्ट के जो स्टेट बने थे उनमें से एक आपका विंध्य प्रदेश था। मैंने बताना है कि कुछ यानी कि मिस्टेक एमपी के बुक में आपको मिलेंगे, तो वो यानी कि इसको सी पार्ट का स्टेट बताते हैं, बिल्कुल गलत है। सी पार्ट का जो स्टेट था इसमें वो सारे यानी कि आपके जो प्रांतीय स्टेट थे और यानी कि आपके इसका जो हेड होता था वो चीफ कमिश्नर होता था। इसमें आपका 10 स्टेट शामिल थे, उनमें से 10 में से एक आपका एमपी में जो वर्तमान में है वो भोपाल, तो ये आपका यहाँ पर एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता था, चीफ कमिश्नर। तो ये आपके 10 स्टेट अजमेर, कुर्ग और आपका कूच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कच्छ और मणिपुर और त्रिपुरा, ये सारे आपके सी पार्ट के स्टेट थे। तो ये टोटल आपके 1947 में जब मध्य प्रदेश नहीं था, 47 में आपके 29 स्टेट थे, तो उस समय आज के मध्य प्रदेश के 4 स्टेट थे। ये आपका मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश 1947 में जो विभाजित मध्य प्रदेश था आपका, उस समय आपका जो बात करें तो ए, बी, सी 3 आपकी कैटेगरी के जो स्टेट थे वो मध्य प्रदेश में थे। तो ये आपका मध्य प्रदेश उस समय बना था तब यानी कि 1956 में, तो उस समय ये 4 स्टेट को मिलाकर के टोटल आपका एमपी बनाया गया था। विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, मध्य प्रदेश जो इसको मध्य प्रांत भी बोलते थे, और आपका भोपाल, ये 4 स्टेट को मिलाकर के 1956 में मध्य प्रदेश बनाया गया था। और इसमें आपका ए पार्ट का स्टेट मध्य प्रदेश था। इसमें ए पार्ट का जो स्टेट था मध्य प्रदेश, उसमें क्या क्या शामिल किया गया था 1947 जो बनाया गया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका सेंट्रल प्रोविंस का जो एरिया था वो आपका इसमें शामिल किया गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपका बरार ये जो एरिया था उस समय, लेकिन आज नहीं है, आज तो ये महाराष्ट्र में है, उस समय यानी कि बरार जो था वो आपके इस मध्य प्रदेश में था। और आपका प्रेजेंट छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, ये वाला पूरा आप देख पा रहे हैं, ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है ये उस समय आपका इसी में शामिल था मध्य प्रदेश में। महाकौशल, महाकौशल यानी कि आपका जो जबलपुर के आसपास का एरिया है वो यानी कि इसी एरिया में शामिल था। और आपका विदर्भ जो आपका आज महाराष्ट्र का एरिया है विदर्भ, वो भी इसी में शामिल था। तो ये आज 1947 में मध्य प्रदेश था वो ये था। आज का यानी कि मध्य प्रदेश अलग है। 1947 में ए कैटेगरी का जो था जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, तो वो यानी कि इन सभी को मिलाकर के आपका सेंट्रल प्रोविंस, बरार और छत्तीसगढ़, महाकौशल और विदर्भ के क्षेत्र को मिलाकर के आपका मध्य प्रदेश बना था। ये 1947 में। 1947 में आपका बी पार्ट के दो स्टेट थे, एक आपका मध्य भारत, मध्य भारत ये आपका ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं जिसमें चंबल रीजन और ये पूरा आपका जो मालवा का जो चंबल नदी के आसपास का जो एरिया है वहां पर यानी कि ये पूरा विस्तार था। इसके बाद आपका विंध्य प्रदेश, ये विंध्य प्रदेश ये भी बी स्टेट का, बी कैटेगरी का स्टेट था जिसमें आपका वर्तमान की यदि हम बात करें तो आपका बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड का जो एरिया है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के एरिया को मिलाकर के ये आपका विंध्य प्रदेश था। उसके बाद सी स्टेट जो थी वो छोटा सबसे स्टेट था आपका भोपाल, ये भोपाल का छोटा सा एरिया था वो इसमें शामिल होता था। तो ये 1947 के चारों स्टेट थे। इस समय आपकी ये बाउंड्रीज से देखा जाए तो आपका उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, बॉम्बे, ये हैदराबाद, इस टाइप की स्टेटें हुआ करती थी बाउंड्रीज पर। ये आपके एमपी के चारों उस समय 1947 में स्टेट थे उस समय। इसके बाद हम देखते हैं ये जो चार स्टेट थे वो कौन कौन से और उनका क्या वो था, पूरा डिटेल हम देखें। 1947 में आपका जो मध्य प्रदेश बना था तो वो ए पार्ट का स्टेट था। सेंट्रल प्रोविंस बरार जो प्रांत था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, उसमें ये शामिल करके बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर के बना दिया गया। सेंट्रल प्रोविंस और बरार ये स्टेट आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था, इसमें ये दो चीजें शामिल कर दी गई थी। बघेलखंड की कुछ ये कौशल क्षेत्र की कुछ रियासतें और कुछ बघेलखंड की भी की गई थी और आपका छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर के बना दिया गया था। इसकी जो राजधानी थी वो आपकी नागपुर थी और इसमें टोटल रियासत जो शामिल की गई थी 15 रियासतें शामिल की गई थी और इसकी जो कैपिटल थी वो आपकी नागपुर थी। ओके, इसमें आपका जो ए पार्ट के स्टेट जितने ही बने थे तो इसमें आपका गवर्नर हुआ करता था और गवर्नर के साथ साथ में आपका चूंकि वहाँ विधानसभा भी होती थी तो उस विधानसभा से आपका एक चीफ मिनिस्टर भी चुन करके आता था। तो वहाँ गवर्नर जो थे उस समय आपके इंजीनियर राघवेंद्र थे और आपका राघवेंद्र राय, और दूसरा आपका यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे उस समय के उस एरिया के सबसे पॉपुलर लीडर थे पंडित रविशंकर शुक्ला, जिनके आपके दो बेटे बाद में काफी पॉपुलर लीडर भी रहे, जिनमें से आपका पंडित श्यामाचरण शुक्ल जो एमपी के 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे और दूसरे आपके विद्याचरण शुक्ल जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर रहे। तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल वही हैं जिन्होंने देश की आजादी में भी बहुत बड़ा भाग लिया था। इसके बाद आपका मध्य भारत, ये मध्य भारत तो देख पा रहे हैं ये आपका उस समय 29 स्टेट में से ये था मध्य भारत, ये बी पार्ट का स्टेट था। ये उस समय मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र की 26 जो रियासतें थी, इन 26 रियासतों को शामिल करके ये बनाया गया था। और इस समय जो मध्य भारत बना था इसकी 2 राजधानियां बनाई गई थी। उसका रीजन ये था कि ग्वालियर और इंदौर दोनों ही बहुत डोमिनेंट आपके रियासतें थी और दोनों ही चाहते थे कि हमारे यहाँ राजधानी बनाई जाए। इसी वजह से आपकी ग्वालियर और इंदौर दोनों को बना दिया गया और ये सीजन वाइज किया गया था। 6 महीने आपकी ग्वालियर होती थी, 6 महीने आपकी इंदौर होती थी। ग्वालियर आपकी सर्दियों में बनाई जाती थी और इंदौर आपकी गर्मियों में राजधानी हुआ करती थी। तो ये ग्वालियर समर कैपिटल और इसमें आपका ये यहाँ के राज प्रमुख आपके ग्वालियर रियासत के जो महाराजा थे जीवाजी राव सिंधिया, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके श्री लीलाधार जोशी को बनाया गया था। ये दोनों यानी कि महत्वपूर्ण पद थे। इसके बाद आपका देखते हैं हम यहाँ पर विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश ये बी पार्ट का स्टेट था और इसे उत्तर में इससे 38 जो रियासतें थी ये आप देख पा रहे हैं। ये नॉर्थ रीजन में 38 रियासतें थी जिनको मिलाकर के बनाया गया था। और इन सभी रियासतों में रीवा रियासत जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, इसीलिए रीवा को ही आपकी कैपिटल उस आपका स्टेट का बनाया गया था। और इसमें आपका बुंदेलखंड और आपकी वकीलखंड की जो रियासतें थी उनको स्पेशली शामिल किया गया था। इसमें आपके राज प्रमुख जो बनाए गए थे रीवा राज कराने के या जो महाराजा थे मार्तण्ड सिंह बघेल, ये वहाँ के राज प्रमुख बनाए गए थे। और आपका जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर पंडित शंभुनाथ शुक्ला को बनाया गया था, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। और इसके बाद हम आपका लास्ट देखते हैं भोपाल। भोपाल जो रियासत थी उसी को आपका सी स्टेट का राज्य बना दिया गया था। इसकी राजधानी भोपाल ही थी। ये बहुत छोटी सी यानी कि एरिया में थी। और ये यहाँ पर यानी कि जो सी स्टेट के जितने भी राज्य थे सी कैटेगरी के, वहाँ पर कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था, इसीलिए यहाँ पर VN बनर्जी जो थे उनको यानी कि कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। ओके। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसको भी लेकर के बड़ा खींचतान मची हुई थी, क्योंकि हर बड़े बड़े शहर के जितने भी पॉलिटिशियन थे उस समय के प्रभावशाली लोग थे, अपने अपने यानी कि सिटी को यानी कि राजधानी बनाना चाहते थे। जिससे हम बात करें तो ये आपका MP में ये ग्वालियर था, यहाँ के महाराजा जीवाजी राव वो चाह रहे थे ग्वालियर राजधानी बना दी जाए। इधर होलकर स्टेट के जो डोमिनेंट लोग थे वो चाह रहे थे इंदौर बना दिया जाए। इधर रीवा स्टेट के यानी कि महाराजा थे वो चाहते थे रीवा बनाई जाए। और इसके अलावा जबलपुर और रायपुर, ये यानी कि 5 जगह से यानी राजधानी बनाने की बात चल रही थी। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया है कि इन 5 में से कहीं भी कोई भी सिटी को कैपिटल नहीं बनाएंगे, इसीलिए भोपाल को यानी कि कैपिटल बनाया गया। और भोपाल उस समय डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, एक बहुत छोटी सी जगह थी। वहाँ पर एक नया यानी कि भोपाल नगर को यानी कि राजधानी के रूप में डेवलप किया गया, जो उस समय सीहोर जिले की एकमात्र तहसील थी। अब हम देखते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश की सीमा में क्या परिवर्तन किया गया। देखिए, देश में यानी कि नए नए राज्यों की मांगें उठ रही थी और इसी वजह से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो सिफारिशें दी उसी के आधार पर 1956 में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। आपका स्टेट रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन आपका एक्ट बना, उसके तहत आपके 14 स्टेट और 6 आपका यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो इसमें से एक आपका MP भी बना। तो 1 नवंबर 1956 को जो MP बना तो उसमें ये आपकी जो पहले से 4 स्टेट थे उन 4 स्टेट को मिलाकर के MP बनाए गए, जिसमें एक MP, एक आपका मध्य भारत, एक आपका विंध्य प्रदेश और एक आपका भोपाल। तो इसमें भोपाल और विंध्य प्रदेश पूरा ज्यों का त्यों मिला लिया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वो चेंज हुआ था तो आपका मध्य भारत में और आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या चेंज किया गया? मध्य प्रदेश में ये चेंज किया गया कि आपके जो उस समय का मध्य प्रदेश था उसके आपके 8 जिले थे, जिसमें आपका अकोला, अमरावती, बुल्डाना, भंडारा, चांदा, नागपुर जो उस समय उसकी राजधानी भी था, वर्धा, यवतमाल, ये उस समय का आपका तत्कालीन बम्बई राज्य था उसमें शामिल किया गया। बम्बई इसलिए क्योंकि 1956 में ये महाराष्ट्र नहीं बना था, ये बाद में बनाया महाराष्ट्र और बम्बई दोनों, मतलब महाराष्ट्र और आपका गुजरात बम्बई से अलग होकर के। तो उसमें ये बम्बई स्टेट था, उसमें ये आपके एमपी के 8 जो डिस्ट्रिक्ट थे वो एमपी से काट करके और महाराष्ट्र मतलब उस समय के बम्बई स्टेट में शामिल कर दिए गए थे। जो यानी कि उसके बचा हुआ आपका जो मध्य प्रदेश था वो मध्य प्रदेश इसमें है। उसके बाद आपका मध्य भारत में एक छोटा सा चेंज हुआ था, वो ये था कि आपका एमपी का जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है वहां की भानपुरा तहसील था। ये इस भानपुरा तहसील में भी एक छोटा सा टप्पा यानी कि जो होता है तहसील से छोटे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, तो वो सुनेल टप्पा नाम था। सुनेल टप्पा को यानी कि आपका एमपी से हटा करके राजस्थान में शामिल कर दिया गया था, वो राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया था। इसके बदले में हमने क्या किया था, राजस्थान का जो कोटा डिस्ट्रिक्ट की सिरोंज तहसील थी वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गई। बस एक्सचेंज हुआ है, सुनील टप्पा हमने उनको राजस्थान को दिया है, उसके बदले में हमें सिरोंज मिला, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में जो सिरोंज है वो। बस इतना चेंज हो और पूरा जो कहते हो आपका पूरा कंप्लीट मध्य भारत मिला लिया गया। और इसमें आपका भोपाल और विंध्य प्रदेश में तो कोई चेंज करना ही नहीं पड़ा था, वो सेम वैसा का वैसा मिला लिया गया। 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी, जो सीहोर जिले की एक तहसील थी। और उस समय आपके 1956 में 43 डिस्ट्रिक्ट थे, जिनमें से भोपाल डिस्ट्रिक्ट नहीं था उस समय। इसके बाद आपके डिवीजन किया गया, यानी कि नए जिले बनाए गए, तो वो इस तरीके से बने हैं। एक हम आपका सबसे पहले हम देखें कि आपका 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो वो आपके ये 1956 तक तो आपके 43 डिस्ट्रिक्ट थे। उसके बाद आपका पहली बार 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। तो भोपाल आपका सीहोर जिले से अलग करके बनाया गया था, और ये राजनांदगांव जो आज छत्तीसगढ़ में है, उस समय का जो आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट था उससे अलग करके ये राजनांदगांव बनाया गया था। तो 1972 में जो डिस्ट्रिक्ट बढ़ करके आपके 45 हो गए। इसके बाद आपका 1998 तक यानी कि ये 45 डिस्ट्रिक्ट ही बने रहे। उसके बाद 1998 में जब दिग्विजय सिंह सरकार थी, तो आपके 1998 में 2 बार यानी कि एक आपका मई में और एक बार आपके जून में आपके 10 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। BR दुबे की जो कमेटी रिकमेंडेशन पर आपका टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। इनमें कोई चेंज नहीं था, मतलब जैसे उस डिस्ट्रिक्ट से पूरा अलग करके यानी कि सीधा सीधा यानी कि 10 जिले बना दिए गए थे। उसके बाद सिंहदेव कमेटी जो ने रिकमेंडेशन दी थी, इसमें 6 जिले बने थे। तो इसमें ये 6 जिले बने थे, तो उसमें से कुछ आसपास के जिलों के गाँव को भी यानी कि थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब करना पड़ा था। इस टाइप से यानी कि डिस्ट्रिक्ट ये टोटल जो 16 बने थे। तो आपका 1998 में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए थे 61, क्योंकि 16 ये शामिल हो गए, तो 61 जिले हो गए थे। इसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश का फिर यानी कि एक बार डिवीजन होगा। आपका एमपी स्टेट काफ़ी बड़ा था, इस वजह से आपका छत्तीसगढ़ को काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बनाए जाने की मांग भी चल रही थी। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया। ये ध्यान रखो कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन भी होता है 1956 में, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का डिवीजन भी होता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है। तो ये फिर आपका के 2000 में आपके मध्य प्रदेश के फिर 45 जिले हो गए, जहां से शुरू हुए तो वहीं पर फिर खत्म हो गए। उसके बाद आपके 2003 में 3 नए जिले बने, आपका अशोकनगर गुना से बना, और इसके बाद आपका देखते हैं खंडवा से बुरहानपुर अलग हुआ, और आपका ये शहडोल से अनूपपुर। ये 3 नए जिले बने, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। ये आपका 2003 में 3 जिले बने। उसके बाद आपका 2008 में 2 जिले बने, और इसके बाद आपका ये 2013 में 1 जिला बना, और 2018 में फिर आपका 1 जिला बना। ये आपके 2008 में 2 जिले बने थे, वो आपका झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया गया था, सीधी से अलग करके सिंगरौली बनाया गया था, और 2013 में शाजापुर से अलग करके आगर मालवा बनाया गया था, और 2018 में 1 अक्टूबर को टीकमगढ़ से अलग करके निमाड़ी ये नया जिला बना है। तो आज वर्तमान में टोटल जो जिलों की संख्या हो गई वो 52 हो गई। इसके बाद हम देखते हैं, ये मैप में थोड़ा सा हम इन जो जिलों की बात कर रहे थे वो उसको मैप में देख ले हैं। आपका 2003 में जो अलग जिले हुए थे, आपका गुना से अशोकनगर, खंडवा से आपका ये बुरहानपुर, और आपका ये शहडोल से अलग करके आपका अनूपपुर, ये आपके 3 जिले बने। उसके बाद 2008 में आपका झाबुआ से अलीराजपुर अलग कर दिया गया और सीधी से सिंगरौली अलग कर दिया गया। उसके बाद आपका 2013 में ये शाजापुर से अलग करके आपका आगर मालवा बनाया गया, और उसके बाद आपका लास्ट 2018 में ये टीकमगढ़ से अलग करके निमाड़ी बनाया गया। ये आपके आज 52 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ये वही इंफॉर्मेशन दी गई कि 26 जनवरी 1972 को भोपाल यानी सीहोर से जिला अलग करके बनाया गया है। और बीआर दुबे की रिकमेंडेशन पर आपके 10 जिले बनाए गए, है ना, और सिंहदेव के रिकमेंडेशन पर आपको 6 जिले बनाए गए। ये पूरा वही इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसके बाद आपका ये 1998 में ही बीआर दुबे की रिकमेंडेशन पर कौन कौन से जिले बने थे, जो आपके 10 डिस्ट्रिक्ट बने थे, वो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए 1998 में। लेकिन हम इसमें सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आपको जो प्रेजेंट में आपके एमपी में है, जो आपके छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं, वो हम इसमें आपको डिटेल नहीं कर रहे हैं। इस 10 जिलों में से आपके जो एमपी में उसमें जो 1998 में मई मतलब उसमें मई मंथ में बने थे, तो वो हम आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं। तो वो आपका है बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उन 98 में बीआर दुबे की कमेटी के रिकमेंडेशन में जो बने थे। सिंहदेव के रिकमेंडेशन पर आपके टोटल 6 जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बने थे, उनमें से एमपी में आज वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपका उमरिया, हरदा और नीमच। तो 98 में 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। 16 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश का विभाजन करके 26वें नंबर का यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। और 2003 में मध्यप्रदेश के 3 नए जिले बनाए गए, वो अशोकनगर, गुना से, बुरहानपुर, खंडवा से, अनूपपुर, शहडोल से। और वर्तमान में मतलब उस समय आपके 2003 में आपके 28 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, सॉरी 48 यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपके 2003 में हो गए थे। 2008 में 2 नए डिस्ट्रिक्ट जो आपके बने, उनमें आपका ये मई में आपका 17 मई को ये आपका झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया गया था, और 24 मई को ये 2008 में ही है, ये आपका सिंगरौली बनाया गया था, ये सीधी से अलग करके। तो ये आपका 17 मई और 24 मई 2008 में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बने, मई में ही बने हैं, लेकिन डेट अलग अलग है दोनों की 2008 में। नेक्स्ट आपका 16 अगस्त 2003 में आपका 51वां जिला जो बना था आगर मालवा था, ये आपका शाजापुर से अलग करके कब बना, ये आपका 15 अगस्त को बना। 15 अगस्त को घोषणा कर दी गई, 16 से यानी कि आपका उसमें आ गया था। और ये आपका 52वां जिला है, वो 1 अक्टूबर 2018 में बना, ये आपका 1 अक्टूबर को निवाड़ी जिला बना, वो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। और अभी कमलनाथ कैबिनेट के द्वारा 3 यानी कि नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी, तो उस समय यानी कि 3 जिले यदि वो बन जाते, उसका यानी कि गजट नोटिफिकेशन हो जाता, तो उससे ये आपकी कैबिनेट का रिकमेंडेशन थी, गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो वो 3 आपके सतना से अलग करके, ये आपका सतना है, यहाँ से अलग करके ये मैयर को डिस्ट्रिक्ट बनाने जाने की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद आपका चाचौड़ा जो आपका गुना डिस्ट्रिक्ट का अभी यानी कि तहसील है उसको अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया जाना था, और ये आपका नागदा जो उज्जैन की तहसील है उसको अलग करके जिला बनाया जाना था। लेकिन ये चूंकि मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हो गया, कमलनाथ जी अब मुख्यमंत्री नहीं है, शिवराज सिंह नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए अब बहुत कम संभावना है कि इनको अभी हाल फिलहाल नया जिला बनाया जाए। तो अभी हमारे वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वो 52 ही है। ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है।